एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और श्वेता किचन हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए पनीर दो प्याजा की बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल और टेस्टी होती है ये, तो इस रेसिपी को आप सब बना के जरूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही ये हुआ है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और थैंक यू यूट्यूब। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए दो बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया है और दो बड़े प्याज को ग्रेट कर लिया है। दो बड़े चम्मच है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। गार्निशिंग के लिए धनिया लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बड़ा चम्मच दही है फ्रेश। एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे काट लिया है। 250 ग्राम पनीर है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें तेज पत्ता को मैंने तोड़ लिया है, दो हरी इलायची, 4-5 दाने काली मिर्च के, थोड़ा जीरा, 2-3 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा है जावित्री का। मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच है किचन किंग मसाला, कस्तूरी मेथी और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी और ये लाल मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक देंगे और साइड में रखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल 2-3 चम्मच के लगभग है। और ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो इसमें हम ये खड़े मसाले डाल देंगे और साथ में डाल देंगे ये प्याज। प्याज डाल के इसे हम भूनेंगे। और ये देखिए, प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे, जो अदरक लहसुन और गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी सब मैंने मिक्स करके रखा था। इसको भी मिला के अच्छे से भूनेंगे। और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इसे भी मिला के अच्छे से भूनेंगे। और साथ में ही डाल देंगे इसमें दही। और दही को मिला देंगे अच्छे से और इसे हम भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला, इसको मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज के स्लाइस को। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। एक
एक कप पानी डाला है मैंने। और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। और ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारी पक रही है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को और अब डाल देंगे कसूरी मेथी। और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो अब हम खोल के देखते हैं और ये देखिए पनीर दो प्याजा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और फ्लेम को बंद करेंगे। और ये देखिए पनीर दो प्याजा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है ये और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप सबको? और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे टाइम पे। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए मैं ऐसे ही सिंपल और आसान रेसिपी लेके आती रहूं जिसे आप आसानी से बना सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।